दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आपके स्क्रीन पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें? सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो है डाटा ऑन करना है और डाटा ऑन करने के बाद आपको सीधे प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो जैसा कि गाइज मैं सर्च कर रहा हूँ AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको भी ऐसे ही सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सेटिंग में जाना है और अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको 1280x720 का सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, आपको ब्राइट जितनी रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर 12 Mbps रख रहा हूँ। फ्रेम में भी आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे आना है और अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी सेटिंग्स को वैसे ही रहने देना है। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड रिकॉर्ड विंडो। इसका मतलब क्या होता है, आप ये जो लोगो देख रहे हो ना, जब वीडियो बनाते हो या अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हो तो ये लोगो साइड में शो होता है और इसको अगर आप छिपाना चाहते हो अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। फिर आपको नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉप ऑप्शन, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो चलिए मैं बताता हूँ। आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ, इसका मतलब जब आप अपनी स्क्रीन को पावर बटन से ऑफ करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग रुक जाती है और आपको फिर से रिकॉर्डिंग चालू करनी होती है। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टॉप ऑन शेक, मतलब जब आप अपने मोबाइल को जोर से हिलाते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तीसरा ऑप्शन है इनेबल लाइट लिमिट, यहाँ पर जो आपको नीचे 6000 सेकंड दिख रहा है आप यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो और टाइम फिक्स होने के बाद ऑटोमेटिकली उतने समय पर आपकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रुक जाएगी। दोस्तों, लेफ्ट आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कॉट डाउन बिफोर स्टार्ट, आपको दिख रहा होगा इसके नीचे आपको कॉट डाउन वैल्यू दिख रही है। इसको आप ऑन ऑफ करोगे, जितने सेकंड आप लगाओगे ना उतने ही सेकंड पर आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये है स्क्रीनशॉट, इसको आप एनेबल करोगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, इस लोगो पर टाइप करते ही आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि कैमरा का है, इसको आप इनेबल करते ही आपका जो कैमरा है वो सामने आ जाता है। और तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो ब्रश का है, उससे आप अपने स्क्रीन पर कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, कोई भी चीज़ उस पर लिख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस, साथ ही आपको इसको शॉर्टकट में यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है और होम स्क्रीन आने के बाद आपको इस पर टाइप करना है। आपको इस पर टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आपको कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको कैमरे वाला ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर सेटिंग में फिर से जाएंगे, कैमरे पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कैमरा सामने आ जाएगा। अगर आपको फिर से ब्रश का ऑप्शन चाहिए तो आप ब्रश के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे, यहाँ से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप कलर भी चेंजेस कर सकते हैं और कलर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसको मोटा या पतला में लिख सकते हैं और इसको लिखने के बाद आप इसका शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।